ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर एक नया चैप्टर, नाइन्थ क्लास का चैप्टर है बच्चे। और नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर आज मैं कराने वाला हूँ, उस चैप्टर का नाम है यहाँ पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखो, हम बात करें यहाँ पर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और जब हम बात करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। तो देखो, जब हम फोर्स के बारे में बात करते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है फोर्स। क्या है बच्चों हमारे पास? फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स हमारे पास यानी कि बल, एक धक्का या फिर खिंचाव है ना। आप शोरूम में जाते होंगे, गेट पर लिखा होता है ना, पुश यानी धके लिए, पुल यानी कि खींची है ना। तो फोर्स इज अ बहुत सिंपल सी चीज, दैट इज अ पुश और पुल बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है बच्चों, वो होती है न्यूटन, जिसको मैं एन से डिनोट करता हूँ। तो ये क्या है मेरे पास, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन, जिसको हम से डिनोट करते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं, फोर्स हमारे पास यहाँ पर इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। फोर्स हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और देखो, मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है जी, तो इसके अंदर डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है जी, और उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देयर इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स मेरे पास यहाँ पर कितने टाइप्स की होती है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, फोर्स होती है हमारे पास यहाँ पर दो तरीके की, बिल्कुल सही बात है, जिसमें एक आती है मेरे पास यहाँ पर बैलेंस फोर्स, और दूसरी है मेरे पास यहाँ पर इधर में जी अनबैलेंस फोर्स। एक बैलेंस फोर्स है और दूसरी हमारे पास यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स है। अब देखिए, बैलेंस फोर्स के बारे में बात करते हैं। बैलेंस फोर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, बैलेंस फोर्स में हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ नेट रिजल्टेंट वैल्यू। हमारे पास यहाँ पर नेट रिजल्टेंट वैल्यू जो है बच्चों, कैसी आती है, वो जीरो आती है। नेट रिजल्टेंट वैल्यू जीरो, क्या मतलब है भाई? हम मान लेते हैं कि, मान लो हमारे पास यहाँ पर बच्चों एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि एक बॉक्स रखा है, ये रहा। अब हमने क्या देखा, ये इसकी सरफेस पर जहाँ पर रखा हुआ है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ से बच्चों क्या हुआ, फोर्स लगा दीजिए। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी इधर से 2 न्यूटन की, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई इसको इधर को पुश करने के लिए। मैंने क्या किया, 2 न्यूटन की फोर्स लगाई इसको इधर पुश करने के लिए। लेकिन मैंने देखा एट द सेम टाइम ये जो सरफेस है थोड़ी सी रफ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इक्वल फोर्स लगती है, अपोजिट फोर्स लगती है यहाँ पर। मतलब इक्वल ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है बच्चों। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ये मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुई रफ सरफेस होने के कारण, जिसकी वजह से बॉक्स के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इधर से फोर्स लगी 2 न्यूटन की, लेकिन अपोजिट में हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, वो भी हमारे पास 2 न्यूटन की है। तो क्या बॉक्स के अंदर किसी तरह कोई मूवमेंट होगी बच्चों? कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, तो नेट रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जीरो आ जाएगी। समझ रहे हो, जीरो हमारे पास नेट रिजल्टेंट वैल्यू। अनबैलेंस फोर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि ये मान लीजिए मेरे पास इधर में बॉक्स रखा हुआ, वही सेम बिल्कुल। ठीक है जी, ये रहा बॉक्स, सरफेस अभी भी रफ है यहाँ पर। ठीक है जी, मैं इसके ऊपर फिर से फोर्स लगा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये फोर्स लगा दी मैंने यहाँ पर 2 न्यूटन की, लेकिन बताया ना मैंने कि इधर से अपोजिट फोर्स लग रही है, 2 ही न्यूटन की लग रही है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है मेरे पास। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसको मूव करना है तो मुझे इससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इधर 2 न्यूटन की फोर्स और लगा दी, यानी टोटल 4 न्यूटन की फोर्स लगी। और जैसे 4 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो हम देखते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है, यानी कि अनबैलेंस हो गया ना, दोनों तरफ बराबर तो नहीं है, दिस इज़ द अनबैलेंस फोर्स। ये बॉक्स यहाँ से मूव करके बच्चों ये यहाँ चला जाएगा, तो इसके अंदर मूवमेंट कब पॉसिबल है, जब हमारे पास यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स लगी है। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स के अंदर जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, और अनबैलेंस फोर्स ही वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर सकती है बच्चे, हमारे पास इधर में मूव कर सकती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं,
इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देखो जी, फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहली चीज, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ये किसी भी मूविंग बॉडी को ना स्टॉप कर सकते हैं। कोई चीज कंटिन्यूटी में रोटेट हो रही है, मूव कर रही है, ठीक है जी, हम फोर्स लगा करके उसको स्टॉप कर सकते हैं। डंडा लगा देंगे वहां पर जो है वो रुक जाएगा, मूव कर रहा है तो जो है बहुत सिंपल सी चीज है जो, ठीक है जी, तो हमारे पास वो रुक जाएगा। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। ये किसी भी स्टेशनरी बॉडी को भी मूव कर सकता है, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज रखी है तो हम उसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये देखो जी, ये मार्कर यहाँ पर रखा है, ठीक है जी, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा जी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये देखो जी, ये यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ जी, ये लो जी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ये स्टॉप है और ये स्टेशनरी रहेगी। तुम कल आओगे तो भी स्टेशनरी मिलेगी, परसों मिलेगी तो भी, क्यों, इसके ऊपर फोर्स लग रही। मैंने जैसे ही फोर्स लगाई, ये देखिए, ये अपनी पोजीशन से मूव कर गया, तो यानी क्या हो रहा है कि ये फोर्स ही तो लगी मेरे हाथ की। तो ये जो फोर्स होती है किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है। इट कैन चेंज द स्पीड, ये स्पीड को भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए सामने से हमारे पास क्या आ रही है जी, स्लो बॉल आ रही है और हमने उठा करके शॉट खेल दिया, तो ये क्या हो गया जी, बाउंड्री पार छक्का लग गया, ये हमारे पास क्या हो गया, स्पीड चेंज हो गई। फास्ट आ रही है तो हम उसको स्लो भी कर सकते हैं जी। इट कैन चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है जी। जैसे स्काई करता है सूर्य कुमार यादव, ये बॉल आ रही है पता नहीं कहाँ फेंक देता है, सबसे ज़्यादा डायरेक्शन यही चेंज करता है जी आपका जो है, कैसे, फोर्स, उसके बल्ले में इतनी ताकत है, उसके हाथों में इतनी ताकत है, फोर्स। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, उसके अलावा इट कैन चेंज द शेप, वो शेप भी चेंज कर सकता है। ये मार्कर है, डंडे से मार मार के इसकी शेप चेंज कर दूंगा भाई साहब मैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो फोर्स होती है, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। और आपको बता दूं कि जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है बच्चों, ये अनबैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स ही होती है जो स्टॉप ए मूविंग बॉडी, मूव ए स्टेशनरी बॉडी, चेंज द स्पीड, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, लेकिन कौन सी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स बच्चों, ठीक है। ये बातें हमारे पास फोर्स के बारे में है। और अब जो हम बात करेंगे वो यहां पर बात करेंगे बेटा लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। अब हम यहां पर लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, समझ में आ रहा है लकी। चलिए आप लोग भी यहाँ पर देखिए बच्चों, लॉज ऑफ मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हमें यही पता चल जाए कि बच्चों मोशन क्या होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो मोशन क्या होता है, मोशन मतलब मूवमेंट्स इन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लास्ट चैप्टर की वीडियो में मोशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। ये देखिए जी, ये सड़क के किनारे हमारा यहाँ पर ट्री है, पेड़ लगा हुआ है बच्चों, ठीक। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर एक कार खड़ी है, ठीक है जी। आफ्टर सम टाइम ये कार यहाँ से मूव कर करके यहाँ चली गई, तो हम कहेंगे कार इज सेट टू बी इन मोशन बिकॉज इट चेंजेस इट्स पोजीशन, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट। तो पेड़ अपनी जगह पर फिक्स है, तो यही मेरे पास क्या कहलाता है बच्चों, दिस इज द फिक्स पॉइंट, और इसी को मैं बोलता हूँ यहाँ पर इधर में रेफरेंस पॉइंट, यही मेरे पास इधर में फिक्स पॉइंट कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, एंड कार इज सेट टू बी इन मोशन बच्चों, ठीक। लेकिन हमें बात करनी है यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन के बारे में। जब मैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करता हूँ तो मोशन के जो लॉ दिए थे वो किसने दिए थे बच्चों, न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन, और इन्हीं को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली, तो अपने घर की छत पर जो है
बैठ के टेलीस्कोप से ना स्टार्स की, प्लैनेट्स की, इन सब की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे बच्चों, उनका यही काम था जो। ठीक है जी, अपनी छत पर बैठ जाएंगे टेलीस्कोप लेकर के डेली रात को जो, और वो यही सब मूवमेंट ऑब्जर्व करते रहते थे कि किस तरीके से मूवमेंट्स हो रही है। और उन्हीं का आइडिया लेकर के न्यूटन ने कुछ लॉ बताए जो कहलाते हैं हमारे पास लॉ ऑफ मोशन। एक एक करके हम सारे लॉज के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए मैं बात करता हूँ बच्चों आप लोगों से यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है बच्चों, द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती बच्चों। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती है बच्चों। अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गई तो जो चीज़ रेस्ट में है वो मोशन में आ जाएगी, जो चीज़ मोशन में वो रेस्ट में रहेगी। तो आप लिख सकते चाहे थे, द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं एक डेमो के थ्रू आपको ये चीज़ लाइव समझा देता हूँ बच्चों, ठीक है? देखिए बच्चे, मैं आपको लाइव यहाँ पर डेमो करता हूँ, ठीक है जी? ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक ग्लास है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है जी? और ये ग्लास है जो बिल्कुल खाली है, ठीक है? अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जो है गत्ता रख दिया, ठीक है जी? और इसके ऊपर ये 10 रुपीज़ का कॉइन रख दिया, ठीक? अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि मैं इसके अंदर बच्चों यहाँ पर क्या करूँगा, देखो फोर्स अप्लाई करूँगा, और जब मैं इसके अंदर फोर्स अप्लाई करूँगा तो कॉइन मेरा रेस्ट में और ये मेरा इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ये मोशन में आ जाएगा और कॉइन हमारे पास यहाँ पर जो रेस्ट में रह जाएगा सीधा ग्लास में। ये देखिए एक बार दोबारा से, देखा आप लोगों ने? तो गत्ता हमारे पास जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई, वो आगे निकल गया और जो 10 रुपीज़ का कॉइन है बच्चों ये हमारे पास सीधा ग्लास में आ गया। मैं आपको इस बार दो कॉइन से देखो करके दिखाता हूँ, किसी को लगता है ये ट्रिक है, ठीक है जी? ये देखिए अभी फिर से खाली है ग्लास, मैंने इसके ऊपर ये कार्डबोर्ड रख दिया है, ये 10 रुपीज़ का कॉइन है और ये इस पर 5 रुपये का सिक्का है बच्चों, 5 रुपये टोटल 15 रुपये का यहाँ पर सट्टा लग गया है बच्चों। अब देखो, अब हम देखते हैं इसके ऊपर फिर से काम करते हैं, ये दोनों कॉइन मेरे पास रेस्ट में है और ये मेरे पास यहाँ पर ये भी रेस्ट में है, लेकिन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी। ये देखिए दोनों कॉइन फिर से इसके अंदर आ चुके हैं, इसका मतलब कि जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी और जो चीज़ मेरे पास यहाँ पर मोशन में है बच्चों वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो। इसके ऊपर फोर्स लगी और ये अपना यहाँ पर इस पोजिशन के अंदर आ चुका है बच्चों। तो अभी मैंने बच्चों आप लोगों को यहाँ पर लाइव दिखाया कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। और ये लाइव डेमो आप लोगों के सामने हुआ है अभी, ठीक है? बुक्स में एक्टिविटी है वो हमारे पास, बिल्कुल हम उसको यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इधर में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई और इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास देखो क्या चीज़ है बच्चों, इसी की हमारे पास यहाँ पर क्या है, कुछ डेली लाइफ की एप्लीकेशंस है। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जैसे आप कैरम खेलते हैं तो कैरम में आप देखेंगे बहुत सारी हमारे पास जो गोटियाँ रखी है, मैं स्ट्राइकर से हिट करूँगा तो जो सबसे नीचे वाली गोटी जो स्ट्राइकर से हिट करेगी वो आगे निकल जाएगी और गोटियों की पूरी बिल्डिंग वहीं पर खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुई तो वो रेस्ट में ही है। सबसे नीचे वाली गोटी पे स्ट्राइकर ने हिट किया, वो मोशन में आ गई, एक्सटर्नल फोर्स लगी तो मोशन में आ गई, पहले रेस्ट में थी लेकिन मोशन में आ गई। तो जो रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी लेकिन जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी, और जो मोशन में वो मोशन में रहेगी जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी हमारे पास। गॉट इट? कुछ और भी एग्जाम्पल है, देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कारपेट वगैरह है, पायदान वगैरह है, उनमें धूल मिट्टी जम जाती है। अब हम देखते हैं उसको ऐसे करते हैं तो उसके अंदर धूल मिट्टी बिल्कुल पड़ी है, ठीक है जी? अब वो चीज़ हमारे पास किस चीज़ के अंदर है बच्चों, रेस्ट में ही है, ठीक है जी?
वो चीज़ रेस्ट में है, पायदान भी, और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो भी हमारे पास किस में बच्चों, वो भी हमारे पास यहाँ पर रेस्ट में ही है। लेकिन जब मैं उसको डंडे से बीट करूँगा तो मैं यहाँ पर क्या देखूँगा, फोर्स लगी तो जो पायदान है वो मोशन में आ गया, जो लेकिन डर्ट पार्टिकल्स है वो अभी भी रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, लेकिन बीट करने के कारण वो जर्क मार के बाहर आ जाते हैं। बच्चों मैं आपको देखो लाइव डेमो के थ्रू दिखा देता हूँ ये चीज़ भी, अभी एक सेकेंड ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लक्की ने पायदान पकड़ रखा है जिसके अंदर डर्ट भरी है, और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डर्ट पार्टिकल्स होंगी वो रेस्ट में होगी गारंटीड, और पायदान भी रेस्ट में। मैं इसको डंडे से अगर मारता हूँ देखते हैं इसमें से डस्ट निकलती निकलती, आप देखेंगे यहाँ पर जो है लाइव आपके सामने जो बच्चों यहाँ से जो ये डर्ट निकली है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जर्क मार के यहाँ से बाहर आ गए हैं बच्चों। हम लोग देख रहे हैं बच्चों जो चीज़ हमारे पास रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, जो चीज़ मोशन में है वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। तो एक तो ये कैरम वाला मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है बच्चों, दूसरा ये कारपेट बीटन वाला एग्जाम्पल दे दिया, ये कॉइन एंड ग्लास वाला मैंने आपको लाइव एक्टिविटी बताई है बच्चों। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जब कार में बैठते हैं बच्चों सीट बेल्ट लगा लेते हैं, ठीक है जी, हम लोग यहाँ पर सीट बेल्ट लगा लेते हैं। इसका भी यही कारण होता है कि जब कार चल रही है आप उसमें बैठे हो, अगर गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगते हैं तो हम देखते हैं कि मोशन में, हमारी बॉडी भी मोशन में है, लेकिन जब गाड़ी रेस्ट में आती है लेकिन हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, लेकिन जब ब्रेक लगते हैं तो हमारा जो सिर होता है सीधा डैशबोर्ड पे जा करके लगता है बच्चों, इसी वजह से वो सीट बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है जी, ताकि हम उसके साथ मोशन में ना पाए, रेस्ट में रहे। ठीक सेम चीज़ होती है जब हम बस में मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, आप कभी दिल्ली मेट्रो में गए होंगे तो आपने ट्राई किया होगा बच्चों, मेट्रो खड़ी है और आपको पता चलने वाली, आप इस तरीके से पैर करके खड़े हो कि मेट्रो चलेगी और आप पीछे को गिरोगे नहीं, ट्राई किया होगा कभी, है ना, सब मैंने भी कई बार ट्राई किया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा तो आपको वीडियो में ज़रूर डाल के दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, मेट्रो चलते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं, हमें पता है इस समय तो हमारी बॉडी आगे को है देखो, तो हम क्या करें, गाड़ी अचानक से मोशन में आएगी और हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज क्या होता है हमारे जो पैर है वो गाड़ी के साथ कॉन्टैक्ट में, टचिंग में, गाड़ी रुकी हुई है हम भी रुके हुए रेस्ट में, तो हमारे पैर उसके कॉन्टैक्ट में तो रेस्ट में, लेकिन ऊपर वाली जो बॉडी होती है वो उसके टचिंग में नहीं है, तो गाड़ी चलेगी तो हम क्या लगता है बच्चों, पीछे को झटका लगता है, याद रखना गाड़ी आगे तो हम पीछे, अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है मुद्दा ये, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि कब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी कब बैकवर्ड होगी, गाड़ी आगे चलेगी हम पीछे को, ये देखो जी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गाड़ी तो हमारे पास किस में आ गई है, और हमारी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाह रही है, इसके ऊपर भी फर्स्ट लॉ मोशन अप्लाई हो रहा है, और गाड़ी चल रही है चलते चलते ब्रेक लगेंगे तो हम लोग आगे को गिरते हैं, तो यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, पीछे जाती है बैकवर्ड, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही इसके ऊपर अप्लाई होता है बच्चों। जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े सुखाने से पहले एक बार उसको जो है जर्क मारेंगे ताकि सारे छींटे निकल जाएंगे, ये भी आप लाइव डेमो कर सकते हो जो चाहो तो, कोई इशू नहीं है जो। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है। अब हम बात करेंगे हमारे पास बच्चों यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमारे को यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी बच्चों। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हमारे को यहाँ पर समझनी पड़ेगी दो बातें, सबसे पहली यहाँ पर एक बात मुझे समझनी पड़ेगी बच्चे मोमेंटम, और दूसरी चीज़ मुझे समझनी पड़ेगी यहाँ पर इनर्शिया। देखो जी मोमेंटम क्या होता है और इनर्शिया क्या होता है बच्चों, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज़ मोमेंटम एंड व्हाट इज़ इनर्शिया। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मोमेंटम के बारे में, एम से डिनोट करते हैं, बुक के अंदर तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या है, P इज इक्वल टू एम इन टू वी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमारा मोमेंटम बच्चों, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन होता क्या है, देखिए इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए यहाँ पर, देखो इस हाथ की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, अभी देखिए इस हाथ की मूवमेंट, ये बताओ लक्की कौन से हाथ का जो थप्पड़ तुम्हारे तेज लगेगा, ये लेफ्ट वाले का या राइट वाले का,
राइट वाले का, क्यों पता है? क्योंकि इसका मोमेंटम ज़्यादा है, इसका मोमेंटम कम है, इसका मोमेंटम ज़्यादा है। WWE में भी देखा होगा आप लोगों ने, ये ऐसे करते हैं और ये थप्पड़ मारते खींच के उसके जो है ना जी छाती पे जो, तो कई बार देखने लगता है अरे इतनी तेज़ लग भी रहा है क्या ये, इतनी वो एक्टिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या देखते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है बेटा, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि उसकी वजह से ना मोमेंटम बढ़ जाता है हमारे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अभी क्या है, मोमेंटम ज़्यादा हो गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, देखो मतलब समझो मोमेंटम का क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की पावर को हम मोमेंटम बोलते हैं बच्चों। मोमेंटम एक्चुअल में क्या है, द पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के जो मोशन की पावर है ना वो मोमेंटम कहलाता है। अब देखो इसके अंदर मोशन मूवमेंट कम है तो इसके अंदर पावर कम है, लेकिन इसके अंदर मोशन ज़्यादा है तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है, खींच के लगेगा यहाँ पर एक जो, ठीक है जी। तो बेसिकली मोमेंटम क्या है, द पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट के मोशन की पावर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, मोमेंटम बोलते हैं। इसकी एक वीडियो भी मैंने शॉर्ट्स के चैनल पर डाली थी, तो हम गए थे बच्चों नैनीताल, जो है एक बहुत बड़ा मंदिर था गोलू देवता का मंदिर, वहाँ पर इतने बड़े बड़े घंटे लग रहे थे जो, और मैंने ट्राई किया उसको बजाने के, लेकिन वो बजा नहीं एक बार में। तो मैंने वहाँ पर क्या किया, मोमेंटम क्रिएट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में जाकर के जो बेल है वो रिंग हुई है, वो घंटा इतना बड़ा था बच्चों, तो एकदम से फोर्स नहीं लगती। तो हमने क्या करा, पहले मोमेंटम क्रिएट करा, मोशन उसके अंदर क्रिएट हुआ। मेरे शॉर्ट्स के चैनल पर आप वो वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। तो पावर ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम बच्चों, सबसे पहली बात तो ये। अब मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मास के भी और वेलोसिटी के भी बच्चों। एम होता है मेरे पास यहाँ पर मास, और वी होती है मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी। अगर मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी मोमेंटम ज़्यादा हुआ, जैसे बंदूक के अंदर आप फायर करते हैं, ठीक है जी, गोली का मास बहुत कम होता है लेकिन आप इतनी वेलोसिटी होती है कि पीछे को झटका लगता है एक तरीके से, ठीक है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है उसका, ठीक है, आर पार निकल जाएगी बच्चों को। तो हम लोग क्या देखते हैं, पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास है प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखिए इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज़ होती है। अगर मैं इनर्शिया के बारे में बात करता हूँ, इनर्शिया यहाँ पर क्या चीज़ होती है, समझने की कोशिश करिए बच्चों। यहाँ पर देखो, इनर्शिया इज बेसिकली दैट प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। रेसिस्ट करना, रेसिस्ट करना मतलब कि रोकना, आप रेसिस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट, यानी उसको रोक रहे। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है दैट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट, जो अपने अंदर किसी भी तरह के चेंज को होने से रोकती है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेट। कैसे, मान लो जैसे कि हमारे पास, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये प्यार की थपकी है बच्चों, मैं इसके ऊपर यहाँ पर देखो इसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, इनर्शिया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, समझ रहे हो। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, मैं इसके ऊपर फूंक मारूंगा, कोई मूवमेंट हुई नहीं, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, यानी इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया इसके अंदर किसी भी तरह के चेंज को होने से रोक रहा है। ये रेस्ट में रहेगा, इसके अंदर मोशन नहीं आने दे रहा है इसका इनर्शिया जो है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, मेरे पास यहाँ पर ये देखिए जी रुमाल है जिसको हम डस्टर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है जी। अब ये देखिए मैं इसके ऊपर फूंक मारूंगा बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर मोशन क्रिएट होगी, क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। तो इनर्शिया मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोबा, मास कम तो इनर्शिया कम, मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, तो इसका इनर्शिया इसके अंदर चेंज होने दे रहा है और इसका इनर्शिया इसके अंदर चेंज नहीं होने दे रहा है। तो इनर्शिया बेसिकली जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर समझते हैं बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है। अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करता हूँ तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट, देखो अगर कभी भी रेट की बात चल रही है, यानी किसकी बात चल रही है, टाइम की, यार पैसे की नहीं, टाइम इज मनी अपने आप, ठीक है जी। तो टाइम की बात चल रही है, यानी किस रेट से, किस स्पीड से काम हो रहा है। यहाँ देखो बच्चे,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट मतलब कि टाइम की बात चल रही है, चेंज इन मोमेंटम का मतलब यहां पर क्या, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम के बारे में बात करता हूं, यानी पहले मोमेंटम कुछ और होगा, बाद में मोमेंटम कुछ और होगा, यही तो होगा, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ही हमारे पास यहां पर चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा यहां पर एम वी और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एम यू, मास तो सेम ही रहेगा ऑब्जेक्ट का, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया ये किसके बराबर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, इसके ऊपर यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है जी, ये देखो बच्चों, ये 10 रुपए का कॉइन रखा है एक हमारे पास, ये रहा जी, ऐसे दिखाते, ये रखा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, मैंने फोर्स लगाई, ये देखिए, तो थोड़ी सी फोर्स लगाई तो थोड़ा सा मोमेंटम हुआ, मैं ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ, अब देखिए ज़्यादा मूव हो गया, दिखाई दे रहा लगी, ठीक है, ये देखिए आप लोग भी जो है, ये थोड़ी सी फोर्स लगाई थोड़ा सा मूव हुआ, और मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दी तो ये देखिए ज़्यादा मूव हो रहा है, बाहर ही निकल गया। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए, अभी देखते हैं यहाँ पर, एम यहाँ से कॉमन आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन में टी, और हमने पढ़ा है वी माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के एम इंटू ए। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के सिंबल को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं, के से के डी सर, ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं, हम कॉन्स्टेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर के यूज़ किया गया एम इंटू ए। अब ये कॉन्स्टेंट कैसे आ जाता है भाई, एक्चुअल में के कॉन्स्टेंट है, लेकिन होता क्या है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू बाई डिफॉल्ट कैसी होती है बच्चों, वन होती है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, वन होती है, इसलिए कभी भी कहीं पर भी कॉन्स्टेंट यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन होती है, कहीं पर भी यूज़ करो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। K इज इक्वल टू एम इंटू ए, और K की वैल्यू अगर 1 है तो बाई डिफॉल्ट F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये मेरे पास यहाँ पर रिलेशन आ जाता है। इसी इक्वेशन को हम आगे फर्दर यूज करेंगे बच्चों, ठीक है जी, ग्रेविटेशन के चैप्टर में। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे पास इधर में आ गया बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आज के लिए बच्चों हम इतना ही करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस एंड देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट्स है तो बच्चों आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है किसी स्पेसिफिक चैप्टर की, आप मुझे मैसेज करिए, मैं स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो या क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें। थैंक यू।